जय श्री राम। ये हम लोग काशी नगरी के हैं, बाबा भोलेनाथ हम लोग को यहाँ भेजे हैं कि जाओ प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनको लड्डू बना के सबको प्रसाद खिलाओ। अच्छा लग रहा है, बाबा का जो वाणी था वो सत्य हुआ, राम मंदिर बोले थे बनेगा और बना। किस तरह से इस लड्डू को बनाया जा रहा है, क्या क्या इस लड्डू में खासियत रहने वाला है? इस लड्डू में खासियत, सबसे पहली खासियत है इसमें कि पानी का एक बूंद भी नहीं है। पानी का एक बूंद भी नहीं है इस लड्डू में? नहीं, एक बूंद भी नहीं है पानी का लड्डू का इसके अंदर मात्रा। 811 मन लड्डू बनने उसका वजन होता है 45,000 किलो यानी 45 टन। उसमें 5 चांदी की थाल में पहले रामलला को भोग लगेगा। खुशी हो रहा अपन को, न जिंदगी में भी पहले मिला ना आगे मिलना है, ना आगे 7 जन्म तक भी नहीं मिलना ऐसा खुशी हमको। कब से लड्डू बना रहे हैं? 6 तारीख से। 6 तारीख से बना रहे हैं, कितना घंटा बना रहे हैं लगभग? सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक। रात को 11 बजे तक लड्डू बना रहे हैं। एक भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, रामलला के लिए प्रसाद बना रहे हैं, काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, प्रभु के लिए प्रसाद बना रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना सारा लड्डू बनाया जा रहा है, करीब 11 लाख से अधिक लड्डू बनाया जा रहा है जी। थक नहीं रहे हैं? थक तो जा रहे, लेकिन क्या करें, बनाएंगे। प्रभु का लीला है। हाँ, क्या 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 कह रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए, बातचीत करते हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? प्रभु का लीला है। हाँ, उनके लिए हम लोग कर रहे हैं काम। हाँ, अभी तक कितना लड्डू बना दिए हैं आप लोग? अभी तक गिनती नहीं है, अभी कितना बना? गिनती नहीं है, बस बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। हाँ, अभी तो रखा है पूरा, इतना देखकर अभी खुद ही काम हो रहा है। यही प्रसाद कहीं ना कहीं रामलला के भोग में जाएगा, हर जगह बटेगा प्रसाद। अच्छा, तो ये देखिए जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, और कहीं ना कहीं एक बार दिखाएंगे कैमरा मैन से, चाहे दिखाइए, काफ़ी संख्या में लड्डू बनाया जा रहा है। 11,25,000 लगभग की संख्या में यह पूरा लड्डू बनेगा। अगर बात करें तो 45,000 किलो जो है वो लड्डू बनाया जा रहा है। 22 तारीख को प्रसाद के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, और इधर महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे, प्रभु श्री राम के लिए लड्डू बना रहे हैं, कैसा लग रहा है? भगवान के लिए लड्डू बना रहे हैं प्रसाद के लिए? बढ़िया लग रहा है, और किस लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ दो साथ लड्डू बनाते कुछ गुनगुना दीजिए प्रभु श्री राम के लिए। के कही तू कैलू मन के कमावा, राम के बनावा भेजलू कावन भैया। गा रहे हैं वनवास जाने के क्रम में, अब तो रामलला विराजमान होने वाले हैं, आपके चेहरे पे खुशी है, अब क्या हो गया बताइए? और क्या, जो काला गुनगुना गया था गुनगुनाइए। अब स्वागत में गाइए, कुछ स्वागत में। हाँ, वनवास तो खत्म हो गया, प्रभु का महल में रहेंगे, टेंट में रहना पड़ रहा था उनको। गई लाई हो रामा के कही के हम सुना वाला जोर हो गई। अब बुढ़िया के लगे गा, ये अच्छा गा रही है दादी, दादी अच्छा गा रही है। आज ही रामा जाना माला ता भुइया लोटी लोटी जाला हो यारे हो के कही के पवाली ना हो यारे हो धाऊ
आईली के काही पालंगा चढ़ी बैठना हो यारे हो काई लेली रामा के हो दरसना तायबा आपने भावना जाई भो आरे हो काई लेली रामा देखिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होकर के बनाया जा रहा है प्रभु श्री राम के लिए भोग और लगातार काम चल रहा है। और ये भी देखिए कितने संख्या में जो है प्रसाद बनाया जा रहे हैं और हमारे साथ भाई साहब हैं इनके देख रेख में पूरा का पूरा प्रसाद बन रहा है। क्या शुभ नाम हुआ सर? रतनलाल अग्रवाल सूरत। अच्छा, क्या कहेंगे इतनी संख्या में प्रसाद बनाया जा रहा है, कितना खुश नसीब मान रहे हैं अपने? अपार खुशी हो रहा अपन को, न जिंदगी में भी पहले मिला ना आगे मिलना है, आगे सात जन तक भी नहीं मिला ऐसा खुशी हमको। लड्डू के तरफ आइए, प्रसाद बनवा रहे हैं महिलाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं लोग जी एकदम फुल। हम हर्षोल्लास के साथ फुल खुश है एकदम से। बाबा हमारा सौभाग्य है कि हमारा गुरुदेव श्री देवरहंस बाबा ने हमको इस कार्य में लगाया है। कितना लड्डू बनाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि 45,000 किलो के आसपास बन रहा है। 1100 मन लड्डू बनने उसका वजन होता है 45,000 किलो यानी 45 टन। उसमें 5 चांदी की थाल में पहले रामलला को भोग लगेगा, जो मुख्य यजमान अंदर बैठे हैं गर्भगृह के अंदर, वो 5 चांदी की थाल में भोग लेके जाएंगे। वो भोग लगेगा अपना राम मंदिर के अंदर पूरा। उसके बाद में जो VIP लोग रहेंगे उनके लिए झोला दिया जाएगा, क्या लड्डुआ टिफिन रहेगा, चुंडी रहेगा, उसमें छवि रहेगा, एक 3-4 ग्रंथ रहेगी उसके अंदर। अच्छा, किस तरह से इस लड्डू को बनाया जा रहा है, क्या क्या इस लड्डू में खासियत रहने वाला है? इस लड्डू में खासियत सबसे पहली खासियत है इसमें कि पानी का एक बूंद भी नहीं है। पानी का एक बूंद भी नहीं है इस लड्डू में? नहीं, एक बूंद भी नहीं है पानी का लड्डू का इसके अंदर मात्रा। कैसे बनाया जा रहा है? इसमें सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी है इसके अंदर, सूखा बेसन है, उसमें पूरा भुना जाता है, भुनने में लगता है करीबन 5 घंटे। उसके बाद में इसको ठंडा होने में लगता है 5 घंटे। उसके बाद लड्डू बनने की तैयारी विधि होती है, उसमें फिर चीनी बूरा मिलाते हैं, ड्राई फ्रूट मिलाते हैं, काजू हो गया, इलायची है, केसर वगैरह। बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये तो सीधे प्रभु श्री राम को भोग चढ़ेगा जिसके लिए पूरा देश आज उत्सव मना रहा है। उसमें पूरी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। ग्लव्स पड़ते हैं तो हाथों चेंज कर लेते हैं, ग्लव्स भी अपना पूरा शुद्ध के करते हैं, मास्क वगैरह लगा के पूरा बुनाई करते हैं, वो कटे के अंदर भुनने का काम करते हैं, उसके अंदर पूरा ध्यान रख के करवा रहे हैं अपन काम। आप क्या कहेंगे मैडम, कितना सौभाग्य मान रहे हैं प्रभु का भोग के लिए? देवरांस बाबा की कृपा से बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। इतना सारा लड्डू बन रहा है प्रभु के लिए, प्रभु के लिए बहुत खुशी महसूस हो रही है। राम लला आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इतना लड्डू का पूरा ढेर आप लोग लगा दिए हैं भगवान श्री राम के भोग के लिए, कैसा लग रहा है ये काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा का जो वाणी था वो सत्य हुआ। राम मंदिर बोले थे बनेगा, अब बना। और आप लोग प्रसाद बना रहे हैं, 45,000 किलो लड्डू बना रहे हैं? 60 वर्कर आए हुए हैं बनारस से जी। हम बाबा के सेवक हैं जी। बनारस के रहने वाले हैं। तो ये देखिए एक भाई साहब है एकदम पोछ करके लड्डू को बना रहे हैं, और ये देखिए पैक किया जा रहा है। एक टिफिन में कितना लड्डू रखा जा रहा है? 4-5 लड्डू क्या है? एक टिफिन 5 का है, 1-11 का है। एक टिफिन 5 का और 1 टिफिन 11 का है। देखिए 45,000 किलो प्रभु श्री राम के लिए भोग बनाया जा रहा है, और ये भाई लोग प्रभु श्री राम का नाम ले लेकर के पूरे इस प्रसाद को बना रहे हैं, और प्रभु श्री राम का नाम लेकर के इस पूरे प्रसाद को बनाया जा रहा है। और कितने खुशी से ये लोग बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इसको मिलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो संख्या रहने वाली है 45,000 किलो का रहेगा, और लगभग 7 जनवरी से बना रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रभु के लिए बना रहे हैं? तो बहुत मन में उत्साह है। हाँ। भगवान प्रभु रामचंद्र जी का कृपा हम लोग को बना रहे। हाँ। हमेशा हम लोग को याद करें, हमेशा हम लोग आते रहे इसी तरह। हाँ। कितना लोग मिल करके बना रहे हैं इस पूरे प्रसाद को? वही लमसम हम लोग 40 लोग की टीम है। 40 लोगों की टीम है, एकदम 45,000 किलो बनाना है। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे ये पूरा का पूरा प्रसाद को बना रहे हैं? तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए इनका काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं इधर ये देखिए इधर भी काम चल रहा है। ये भव्य तरीके से इसको बनाया जा रहा है, और इसकी संख्या मैंने आपको बताया 45,000 किलो के आसपास ये पूरा रहने वाला है, और 45 टन, जिसमें 45,000 किलो आएगा। क्या चाचा, क्या कहेंगे
रामलला के लिए प्रसाद बन रहा है। अच्छे है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, मंदिर बन रहा है तो। बिल्कुल भाई, मंदिर बन गया, अपना सनातन धर्म है। हाँ। राम जी के लिए। हाँ। उनका स्थान उनको मिल गया। हाँ। हम लोगों को वही खुशी है, हमारे प्रभु को स्थान मिला। हाँ। इधर उधर होने नहीं पाया। हाँ। और क्या, उसी खुशी में देखिए रियाज हो रहा है, अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जयकारा लगा करके बनाइए प्रभु श्री राम के लिए प्रसाद। जय श्री राम। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया जा रहा है, और जय श्री राम, जय श्री राम भाई साहब लगा करके ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रसाद बना? बहुत बहुत खुशी लग रहा है भैया जी। ये हम लोग काशी नगरी के हैं, बाबा भोलेनाथ हम लोग को यहाँ भेजे हैं कि जाओ प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनको लड्डू बना के सबको प्रसाद खिलाओ। हाँ। जब काशी विश्वनाथ में हमारा मंदिर बनेगा तो हम खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे हम बताएंगे बाद में। मतलब कहीं ना कहीं बहुत उत्सुकता है। जी जी जी, एकदम कब लगे रहते हैं लड्डू? जी जी जी, लगा रहते हैं। कितना कितना लड्डू बनाने का टारगेट है? वही 45 टन लड्डू। जी जी।